मॉर्निंग फ्रेंड्स, सर। एक बार फिर जोर से मॉर्निंग ऑल, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। मॉर्निंग। लाइट नीचे करो भाई। देखो आज, देखिए आज का जो एक्सपेरिमेंट है, कल जो मैंने डाला था स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट, उससे भी बेटर है। आप लोगों ने पढ़ा है कि हीट जो है एक एनर्जी का फॉर्म होता है, जिसका कि कंडक्शन हाई से लो की तरफ होता है। और यह भी पता है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, जब तक वह अपने इग्निशन टेम्परेचर को प्राप्त नहीं करता है, तब तक वह नहीं जलता है। इग्निशन टेम्परेचर का अर्थ यह होता है कि वह न्यूनतम ताप, अगर हीट सोर्स से उसे ऊष्मा लगातार देते जाएं और जब तक वह अपने बर्निंग पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा, वह नहीं जलेगा। जैसे एक लकड़ी है, आप चूल्हा में जला रहे हैं, ठीक है, जल रहा है, उस पर पानी डाल दीजिए। अब उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया, अब बहुत भारी मात्रा में टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। धीरे धीरे उसको टेम्परेचर देंगे, फिर वह ठंडा से थोड़ा हीट होगा, फिर अपने इग्निशन तक जाएगा, तब वह जलना शुरू करेगा। तो हर पदार्थों को जलने के लिए तीन चीज चाहिए, पता आपको तो है, दहन का पोषक जिसको कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर और कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस। इसी पर आधारित हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है। यह देख रहे हैं, ये क्या है, कागज का, ये कागज का कंटेनर है, ये कोई सोना और चांदी हीरे जवाहरात का कंटेनर नहीं है। आप लोग सब इसे आइडेंटिफाइड होंगे कि यह कागज का कंटेनर है। ये आपका मोमबत्ती है, कैंडल जिसको हम लोग कहते हैं, यह केमिकल और फिजिकल दोनों प्रकार के चेंजेस को दिखाता है। अब मैं इसको जलाता हूँ, पहले आप देखते रहिए गौर से, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, ये आपकी जो जनरल माचिस होती है उसी से मैं इसको जला रहा हूँ। आई एम नॉट द मैजिशियन के, यस मोमबत्ती को मैंने कैंडल को जलाया, आई एम नॉट द मैजिशियन एज लाइक द बोगिया सरकार, आई एम द साइंस टीचर ऑफ द सीनियर ब्रांच केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब देखिए, ये आप कागज का कंटेनर है, और इस कागज के कंटेनर को मैं इस पर रखूंगा, लेकिन इसमें पानी रखूंगा, और पानी रखने के बाद मैं इस पर रखूंगा। आपको ध्यान देना है कि यह कागज का जो कंटेनर है क्यों नहीं जल रहा है। देखिए मैं पानी को डाल रहा हूँ, ये वाटर है जिसको कि मैं, हम लोग अपने डाइट में इसका उपयोग करते हैं, और इसको हम लोग देखिए, एक एक इंटरमीडिएट के छात्रा और हमारे सामने आ गई, उसका भी मैं बधाई के हुए पात्र है। देखिए ये कागज है, और कागज को मैं, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, हम कागज को जिसमें कि वाटर भरा हुआ है, ठीक मैं इसके नीचे रखा हूँ, ज्वाला के नीचे रखा हूँ। देखिए कागज का टुकड़ा जल रहा है, कागज का टुकड़ा नहीं जल रहा है। ये कागज में पूरा, कागज का टुकड़ा जो है, कंटेनर है कागज का, वह पूरा जल से भरा हुआ है। देखिए मैं ये कागज का टुकड़ा, ये कागज का कंटेनर है, मैं पुनः इस मोमबत्ती के करीब में लेकर चला गया हूँ, लेकिन फिर भी देख रहे हैं आप, नहीं जला। अब इसके पीछे क्या हमारा साइंटिफिक रीजन है, मैं बताने जा रहा हूँ। कागज के कंटेनर में ये आपने पानी देखा, और पानी को मैंने क्या किया, चूंकि मैं अपने हाथ से रख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि हाथी कुछ बर्निंग का शिकार हो जाएगा, मैंने एक स्केल का प्रयोग किया। इस कंटेनर जो जल से भरा हुआ, इस भरे हुए जल से कंटेनर को मैंने इस पर रखा, आखिर ये कंटेनर क्यों नहीं जला भाई। तो मोमबत्ती ने जो इसको उष्मा दिया, यह ट्रांसफर होकर वाटर में चला गया, क्योंकि इसका हाई टेम्परेचर है और पानी का लो टेम्परेचर है। और यह पता आपको है कि टेम्परेचर का जो नेचर होता है, हाई से होकर लो की तरफ, ये कंटिन्यूअस जो हीट है वाटर में सप्लाई होते चला जाता है, और ये जो कप है, ये जो कंटेनर है कागज का, सुरक्षित बचा रहा। अगर पानी को हम निकाल देते हैं और इस कंटेनर को हम इस पर रखते हैं, तो सेकेंडों में जल उठेगा। हेलो स्टूडेंट्स, अगर हमारा ये एक्सपेरिमेंट जो कि एक विचित्र है, एक मैजिक की तरह है, एक स्ट्रेंज है, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे, और देखिए आप लोग भी इसको एक्सपेरिमेंट अपने घर पर आप कर सकते हैं। अब देखिए इसको मैंने अब हाथ से पकड़ रहा हूँ, देखिए एकदम सेम उसके नीचे में है, लेकिन ये कागज का कंटेनर नहीं जल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हमारे जो पार्टिसिपेट लोग भाग दिए हैं, उनका स्वागत तालियों के गड़गड़ाहट से एकदम जोर से करें।